नमस्कार, मैं प्रिंस सोलंकी, आप देख रहे हैं तेज निगाह न्यूज चैनल। यूपी के बुलंदशहर में भाई के साथ शादी समारोह से लौट रही नाबालिग छात्रा का कार सवार बदमाशों ने सरेरा अपहरण कर लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा के भाई से 20,000 रुपये व मोबाइल फोन लूट खेत में हाथ पैर बांधकर फेंक फरार हो गए। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। देखें हमारी इस रिपोर्ट में। सिर पर पट्टी बंधा ये युवक बुलंदशहर के भदौरा का रहने वाला जितेंद्र शर्मा है। जितेंद्र शर्मा अपनी 15 साल की बहन के साथ जाडोल में एक शादी समारोह से बाइक पर वापस अपने घर लौट रहे थे कि रास्ते में सेंट्रो कार सवार 3 बदमाशों ने बाइक में पीछे से टक्कर मार जितेंद्र से 20,000 रुपये की नकदी और मोबाइल फोन लूट हाथ पैर बांध खेत में फेंक दिया और नाबालिग छात्रा कार में डाल अपहरण कर फरार हो गए। मैं ये सर जाडोल मैरिज होम में तैयार हूं। कौन कौन थे साथ? मैं हूँ और मेरी बुआ की देवती। कहाँ जा रहे थे? मोटरसाइकिल से आ रहे सर, पीछे थे गाड़ियाँ टक्कर मारी मेरे। टक्कर मारने के बाद ना मैं गिर गया हो थोड़ा सा पैर, उस लड़की को मेरी बहन को पैर दब रहा हो, वो मैं जैसे उठाया तो उन्होंने पीछे हम गड्ढे से गिर दिए। गड्ढे गिर कर हमें खींच रहे, खींचने के बाद ना मैं लड़की कोरिया में भर रखी, लड़कियाँ मेरी कोरिया भर रखी सर। अब जब हम गेहूँ के खेत में पहुँच गए वो तो बोले कितने पैसा, मैं बोला भैया वो 20,050 रुपया बोला लाए ने, फिर मोबाइल ले लियो। वो तो बोले अब तुम मार देंगे जो हल्ला मचाएगा। मैं भैया मैं हल्ला ना मचा रहा हूँ, तुम मुँह गोली मार दो भैया, मेरी बहन ने छोड़ दो यार। बोले ना तो उन्हें मैं एक के खेत में सर ले जाकर बांध कर गिर दिया। उन्हें 3 जने मुँह पर लग रहे बजाने के और बांधने के, एक ने लड़की पकड़ रखी गेहूँ के खेत में। मामला सुबह कल दिन में शादी थी, रात को जैसे कि लोग 11-12 बजे के बाद हम लोग अपनी बहन बेटी को लेकर घर आ रहे हैं कुरैना में, तो आगे पीछे जैसे हो जाते हैं वो लड़का लड़की आगे पीछे हो गए, वहाँ संदिग्ध लगे होंगे उसमें, उन्होंने इनको यहाँ पकड़ा है मारपीट करके कैसे वहाँ को ले गए, लड़के को बांध गए गंभीर चोट है और लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं है। सुबह 6 बजे से प्रशासन हमसे ये कह रहा है कि हमने लड़का बरामद कर लिया है और 2 कर लिए बरामद, और हमारे धैर्य की इतनी वो ये जो है परीक्षा ले रहे हैं प्रशासन के, अभी तक खाली यूँ कह रहे हैं कि हमने लड़के को बरामद कर लिया है एक मुलजिम को। अब हम ये कह रहे हैं प्रशासन से जरा हमें उस मुलजिम की शक्ल तो दिखा दी जाए। जितेंद्र की माने तो वह बदमाशों के सामने अपनी बहन को छोड़ने के लिए काफी गिड़गिड़ाया, मगर अपहरणकर्ता नहीं माने और छात्रा को उठा ले गए। मामले की जानकारी पाकर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर पुलिस ने क्या कुछ बताया आप स्वयं सुनिए। एक लड़की थी जो भदौरा की थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली थी, कल रात वो अपने एक रिश्तेदारी में शादी में आई थी, फिर वो अपने एक रिश्तेदार के साथ युवक के साथ जा रही थी अपने घर को रात में 11 बजे, तो उनका कहना है कि जो है 4 युवकों ने जो है उनका अपहरण कर लिया, अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हर अभी क्यों कोई गिरफ्तार? हाँ, इन्होंने 3 अभियोग किया है जिसमें 2 से ही पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं के खिलाफ पॉस्को एक्ट अपहरण व लूटपाट का मामला दर्ज किया है और 2 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में ले पूछताछ करने का दावा कर रही है। कमल पवार के साथ तेज निगाह के लिए जनपद बुलंदशहर से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट। तेज निगाह के दर्शकों से अपील है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट करना ना भूलें। अब दीजिए प्रिंस सोलंकी को इजाज़त। नमस्कार।